सवेरे सवेरे चौकी में? वेल लगता है भाभी जी इनसे हो गई है खफाइजदा, इनको घर से कर दिया है दफाइजदा। शट अप तमीज। सॉरी। बात यह है मिस चौटाला कि शहर के मशहूर नवाब इनायत अली नजाकत अली साहब खुद चौकी में तशरीफ ला रहे। अरे वाह, उन्हें उनके करोड़ों की हीरे जवाहरात लूट जाने का खतरा है जी। आइए आइए। बा अदब बा मुलायजा होशियार, दुश्मनों के दुश्मन यारों के यार, नवाब साहब तस्वीर का टोकरा ला रहे हैं। शुक्रिया नवाब साहब। तो आइए नवाब साहब आइए। ये है मिस चौटाला, आपकी जो भी प्रॉब्लम है जो भी समस्या है आप इन्हें बता दीजिए और बेफिक्र हो जाइए। चलता हूँ। जी मसला तकलीफ ये है कि हमारे करोड़ों रुपए के सोने चांदी हीरे जवाहरात लुट गए हैं और हमारे अरमान दिली दिल में घुट गए हैं, छत वीरान है। बस अब थोड़ा सा सोना चांदी ये हीरे जवाहरात हमारे पास बचे, जिसके बारे में भी हमें धमकी मिल रही है कि वो भी लुट जाएंगे, बस उसी मसले में FIR लिखवाने आए हैं, छत वीरान है। ये तो आपने अच्छा किया नवाब साहब। वैसे ये जो थोड़ा सा सोना चांदी हीरे जवाहरात जो है आपके पास, ये मतलब कितने के होंगे अप्रोक्सीमेटली? बस यही 50 करोड़ का। 50 करोड़ को आप थोड़ा सा कह रहे हैं? या इट इज टू मच इज द पानी में रहता है मगर मच इज द। ये एक मिनट, ये किसने दिया आपको धमकी है पैसे लूट ले लेंगे? अब मोहतरमा यही तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम अपने सारे जेवर बैंक के लॉकर में जमा कराना चाहते हैं, छत वीरान है। हाँ हाँ, रखवा दीजिए रखवा दीजिए सारे जेवर बैंक के लॉकर में। ओह माय गॉड, You are very कटीली नचनिया is the, आज लड़ पड़ा मेरे पड़ोस का मेरे साथ बनिया is the। खामोश। ये मेरी बेगम है और आप इन्हें नचनिया कह रहे हैं, छत वीरान है। नवाब साहब ये पहले नाचती ही तो थी। मोहतरमा हम आपको बता रही हैं, ये मत समझिएगा कि जता रही हैं। दरअसल बात यह है मोहतरमा कि एक एक करके मेरे सारे जेवर ये लुटवा चुके हैं। अब बचे कुचे जो कुछ जेवर हैं, देखिए इनके क्या तेवर हैं। जरा सोचिए कि अगर ये सारे जेवर भी इन्होंने बैंक के लॉकर में रखवा दिए तो इनकी ये बेगम क्या पहनेंगी, कद्दू कटहल के छिलके? अरे देखिए नवाब साहब, पहले तो आई थिंक कि आपको जो है अपनी बेगम से बातचीत कर लेनी चाहिए, मतलब कि क्या है मुखातिब हो लीजिए आप इनसे, इनसे सलाह मशवरा गुफ्तगु हो जाइए कि रखने भी हैं लॉकर में आपने अपना माल या नहीं रखना है। नहीं 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 मोहतरमा, रखने जरूर रखने हैं, छठ वीरान है। देखिए अब लोग तो हमें बैंक समझ के लूट कर मजा ले जाते हैं। देखिए ऐसा है नवाब साहब, इस इलाके की जिम्मेवारी हमारी है और आप निश्चिंत होके अपना माल यहाँ के लॉकर में रखिए, मारे जीते जी आपके लॉकर को कुछ नहीं होगा, कोई ना लूट सके। शुक्रिया 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 जी, हमारी तरफ से भी शुक्रिया जरा नवाजी। बस अब हम सारे जेवर संदूक में भर कर लाएंगे और वजीर अब हम यहाँ से जाएंगे। वीरान है। क्या हुआ मैडम? देख क्या जरा बाहर कोई खिड़की झांक रहा है। खाली है। अरे जाना यार खाली है। आ,
एक्सक्यूज मी मैडम, पानी बहुत ठंडा है। ओ ओ ओ ओ यार, तो तुम क्या चाहते हो जरा ये तो बता दो कि एक पतीले में मैडम तुम्हारे लिए पानी गर्म करें। मेरा मतलब है तुम्हारे लिए गीजर चलाएं। मेरा मतलब है कि क्या प्रॉब्लम क्या है? वेल, हुदा युदा आरिज़दा, हसीनाओं को है मुझसे प्यार इज़दा। आई 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 कैरी ऑन। तू तो भाई आदमी है ना, जो कल यहाँ चौकी की खिड़की पर खड़ा तांक झांक कर रहा था जब वो नवाब साहब आए थे। हैं, बातें सुन रहा था हमारी तू? नहीं नहीं मैडम, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। पानी बहुत ठंडा है। ओहो, तो तुम बेगम साहिबा का डांस देख रहे होगे। नहीं, एक्चुअली बात यह है कि कल भी मैं यहाँ पे FIR लिखवाने आया था। पानी बहुत ठंडा है। तो लिखाई क्यों नहीं? वो एक्चुअली बात यह है मैडम कि मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ, तो बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी पुलिस स्टेशन देखा नहीं है, ना अंदर से ना बाहर से, इसलिए मैं झिझक रहा था अंदर आने के लिए। पानी बहुत ठंडा है। अबे तो आज अपनी सराफत और झिझक ने रुमाल में बांध के ले आया है कि? या व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द? एक्चुअली बात यह है मैडम कि मैं हीरो हूँ, हीरो हीरा नंदानी, ये मेरा नाम है। पानी बहुत ठंडा है। पास के शहर में मेरी किराने की दुकान है। मैडम मेरे साथ धोखा हुआ है, पानी बहुत ठंडा है। ओ, किसने धोखा दे दिया यार तुम्हें? पड़ोस की परिनीता ने, अड़ोस की अनीता ने? नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, एकदम डिटेल में बताता हूँ आपको। एक मिनट, वो डिटेलिंग हम ले लेंगे, तू पहले ये बता मुझे किस खुशी में लाल कर रखी, कौन सा फैशन स्टेटमेंट हो रहा है वो? अरे मैडम, मैडम ये हमारी फैमिली बीमारी है। मेरी लाल मूछे, पिताजी की गुलाबी मूछे, दादाजी की पर्पल मूछे थी और परदादा की ग्रीन मूछे थी। मैडम वो सब बात छोड़िए ना, मेन मुद्दे पे आइए। मैडम मुद्दा ये है कि पास के शहर में मेरी किराने की दुकान है जो बिल्कुल चलती नहीं। दिन में कभी कभी दो या तीन ग्राहक आते जो मेरा नौकर संभाल लेता है उसे। पानी बहुत ठंडा है। और क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ तो मैंने सोचा कि मैं कुछ और आगे बढ़ूँ। इतने में मैंने अखबार में एक विज्ञापन पढ़ा, वो पढ़ के मैं आगे बढ़ा। क्या लिखा था विज्ञापन में? विज्ञापन में लिखा था मैडम कि जिस किसी की भी लाल मूछे हो वो फौरन हमें आके मिले, गारंटेड जॉब मिलेगा और अच्छी सैलरी मिलेगी। और मैडम मैं वहां पर पहुंच गया। फॉलो मी। हाय सर, आई एम शीना, गजब की हसीना। अब ये कैंडिडेट एकदम सही है। बिल्ली साइलेंट ये हमारे बॉस है मिस्टर रॉजर, और मैं इनका मैनेजर विक्टर, डॉगी वॉयलेंट है। वेल, हम तुमको बताएंगे कि तुम इधर क्या काम करेंगे। ऑलराइट, नौकरी परमानेंट है। देखो, तुम रोज सुबह इधर 9 बजे आएंगे और इधर से रात को 8 बजे जाएंगे, और उसके बदले में हम तुमको 45,000 सैलरी देंगे। नौकरी परमानेंट है, ऑलराइट? 45,000? पानी बहुत ठंडा है। ओके, तो पानी को थोड़ा गर्म कर देते हैं। बॉस, हमें ने 45,000 की जगह 65,000 सैलरी कर देते हैं। डॉगी वॉयलेंट है। या सर, हम इनको 65,000 दे देते हैं क्योंकि ये कैंडिडेट एकदम परफेक्ट है। बिल्ली साइलेंट है। फिर क्या हुआ? फिर थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन सर मुझे करना क्या होगा? देखो, ये है रेड बुक, इसका नाम है रोमियो जूलियट, डॉगी वॉयलेंट है।
भाई आओ देखो तुमको रोज क्या खाना है ये बुक को रेड बुक को रोज खोलेगा तुम ये बुक एक अलग कॉपी में कॉपी करेगा उसके बदले में हम तुमको 65,000 सैलरी देगा नौकरी परमानेंट है सुबह 9 बजे मैं यहाँ पे हाजिर हो जाऊंगा पानी बहुत ठंडा है फिर क्या हुआ फिर मैडम एक महीने में उनके ऑफिस में बैठ के रोमियो जूलियट किताब की कॉपी बनाई और अगले दिन जब सैलरी लेने गया तो मैडम वो ऑफिस बंद थी लॉक थी वहां पे कोई नहीं था मैडम मेरे साथ तो धोखा हुआ है पानी बहुत ठंडा है चलो ठीक है तू निकल हम करते हैं कार्रवाई थैंक यू वेरी मच मैडम लेकिन पानी बहुत ठंडा है मैडम ऐसे अच्छा हुआ नहीं इस आदमी के साथ इसे तो लूट लिया गया मैडम इसे लूट लिया गया या यो किसी को लूटने के चक्कर में है वो तो पता लगाना ही पड़ेगा अजीब बात यो है कि कल यो आदमी खड़ा था यहाँ खिड़की के बाहर चौकी की और तांग झांक कर रहा था नवाब साहब जब बैठे थे आज खुद FIR लिखाने आ गया कुछ तो गड़बड़ दिखे है मन एनीवे यार तुम जाओ इसके जो है ऑफिस में वहां जरा छानबीन करो पूछताछ के हुआ है ओके मॉम सर को साथ ले जाए ले जाओ यहाँ भी बड़े बड़े के करेंगे ले वो भी है ओके वेल धोखेबाजों से पड़ गया है तुम्हारा पाला इज्जा जो लगा के भाग गए ताला इज्जा हाँ तो यही वो जगह है तुमने एक महीना बैठकर रोमियो और जूलियट का कॉपी किया हाँ सर यही वो जगह है जहाँ पे बैठ के मैंने पूरी किताब कॉपी की थी पानी बहुत ठंडा है वैसे जगह अच्छी बनाई है मस्त बनाई है हाँ अंदर बहुत बड़ी है अरे किसे ढूंढ रहे हो किताब खत्म हो गई घुस जाओ मेरे अंदर घुस जाओ घुस के बोलो कान के अंदर वो ऐसा है कि यहाँ पर एक ऑफिस हुआ करता था ऑफिस के अंदर कुछ लोग थे उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे हैं आपको जानते हैं इनके बारे में अरे 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 चाचा जी ये वही किताब है मैंने वैसी ही किताब है जैसी किताब को मैंने एक महीना बैठ के कॉपी किया था यहाँ पे बैठ के वाओ 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 पानी बहुत ठंडा है और अब वो लोग बिना पैसे दिए भाग गए किताब खत्म हो गई अबे तुम्हारी आँख नहीं खुल रही जबान बड़ी खुल रही है तुम्हें कैसे पता वो लोग भाग गए हैं अरे मुझे कैसे पता वो सब छोड़ो शुक्र मनाओ कि इनकी जान बच गई पता है आज से 30 साल पहले उस रोजर विक्टर और शीना ने मुझे भी ये किताब दी थी दिख रही है हाँ ये किताब दी थी और कहा था भैया कॉपी करके दे देना इसके बदले में 10,000 रुपए मिलेंगे अब बताओ इससे पहले कि मुझे 10,000 रुपए मिलते और उन 10,000 रुपए का मैं इस बुढ़ापे में ड्राई फ्रूट खाता कि इसके पहले वो सब चंपत हो गए किताब खत्म हो गई लेकिन 30 साल पहले लेकिन वो लोग तो अभी भी यंग दिख रहे हैं पानी बहुत ठंडा है वो लोग कभी बुढ़े नहीं होते उसी तरह जिस तरह गोपी कभी बुढ़ा नहीं होता I don't like jokes. चल 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 अरे सुनो ये मजाक का वक्त नहीं है बड़ा ही गंभीर मामला है बड़ा ही गंभीर विषय है अरे वो लोग सब के सब जवान हैं क्योंकि इंसानों की जो है उम्र बढ़ती जाती है भूतों की नहीं और वो सारे के सारे तीनों लोग भूत हैं असल में भटकती हुई आत्माएं हैं रूह है रूह किताब खत्म हो गई अभी क्या बकवास कर रहे हो हैं अरे बकवास नहीं कर रहे हैं आपको यकीन नहीं आता तो इस कॉम्प्लेक्स के बाहर एक कब्रिस्तान है और वो तीनों के तीनों रात में कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं और डांस करते हैं धपा धप धपा धप धपा धप कैसे अरे धपा धप धपा धप धपा धप ऐसे और आपको यकीन नहीं आता तो इस जगह से जाके देख लो कब्रिस्तान में रात को तीनों के तीनों नाचते नजर आएंगे किताब खत्म हो गई भूत डांस वांस करते गाने वाने गाते क्या है ये भूत सर
अरे वो तीनों भूत हैं। समझ गए यार, समझ गए। ये केस कुछ गड़बड़ है, ये कुछ ठीक केस नहीं है। चलो चौकी चलो, चौकी चलो। भूत भूत का केस सॉल्व नहीं करते। अरे अरे यार, नहीं नहीं, ये बुड्ढा बेकार की बात कर रहा है, भूत भूत कुछ ना होते। अरे मैडम, वो बुड्ढा कह रहा है, उसने अपनी आंखों से देखा है मैडम उन तीनों को। उसने तो ये भी कहा है कि अगर विश्वास नहीं है तो आज रात को कब्रिस्तान आ जाओ, वो तीनों वहीं मिलेंगे। या मॉम, वहाँ तीनों की भटकती है आत्मा इज्जत और आत्मा कर देती है लोगों का खास मजदा। देखिए, हमें लगता है कि अगर हमें केस सॉल्व करना है तो आज रात को कब्रिस्तान चलना चाहिए। मगर अगर वो बुड्ढा सही कह रहा है तो विक्टर, रॉजर और शीना की आत्मा हमें वहीं मिलेगी। मैडम, मैंने भी सुना है कि हमारे टाउन में जो कब्रिस्तान है वहाँ पे एक लड़की और दो लड़के की आत्माएं भटकती है। अगर वो लोग वही है जिनसे मैं मिला था, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैडम, पानी बहुत ठंडा है। और मैडम, अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि वो लोग भूत है, वरना वो चुड़ैल सीना के साथ तो मैं शादी करने के चक्कर में भी था। पानी बहुत ठंडा है। अच्छा वो तुमने शादी नहीं की, वरना तुम्हारे घर में बच्चे की जगह भूत पैदा होते। हम अभी भी कह रहे हैं अगर ये केस सॉल्व करना है तो आज रात को हमें कब्रिस्तान चलना चाहिए। तो ठीक है, आज गंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, चलो कब्रिस्तान चलो। You like कब्रिस्तान, right? Sir, I like कब्रिस्तान, डाक बंगला, भूतिया महल, these are my favorite picnic spots, sir. ऐसी जगह में मजा आता है सर, मजा मजा। आप जैसे स्वीट लड़की को देख के लगता नहीं कि आपको ये सब जगह में मजा आता है। सर, मैं कितनी स्वीट हूँ, I'll tell you as the time comes, follows, आपको धीरे धीरे डिस्कवर होगा सर हमारी स्वीटनेस। कॉफी? मैडम, आप मेरे बारे में तो सोचिए, मैंने आज तक पुलिस स्टेशन पहली बार देखा है, तो कब्रिस्तान कैसे जाऊंगा मैं? मिस चौटाला, ये वो कब्रिस्तान। कब्रिस्तान तो सही है सर, पर भूतू तो दिखना रहे मन्ने कोई। तो मैडम, भूत हैं, इस तरह टहल थोड़ी ना रहे होंगे, आएंगे अगर नहीं। हाँ मम्मी, मेरे तो ना बदन में अजीब सी खुजली हो रही है, जैसे कोई भूत प्रेत मतलब ऐसा। ना लिया कर, सिर्फ होली दिवाली पे नहीं, और भी नेशनल हॉलीडे होते हैं, बाथरूम को जरा मुहूर्त रिबन कटिंग किया कर। अबे थोड़ा दूर खड़े हो, चलो हमें खुली दिया रही तुमसे। डोंट टच। यही है वो लोग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।